नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेक्नो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुणे में एक मेट्रो प्रोजेक्ट चला है जिसकी कुल लागत 1.2 बिलियन US डॉलर है। अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये 8,313 करोड़ बनती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुणे मेट्रो कॉरिडोर इंडिया का फास्टेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट है जो कि 2022 में फर्स्ट स्ट्रेच के लिए ओपन हो जाएगा। जून 2021 में पहला ट्रायल किया गया था संत तुकाराम नागरा स्टेशन पर, जो कि पीसीएमसी स्वरगेट लाइन वन पर है। बताया जा रहा है कि पुणे मेट्रो लाइन वन पीसीएमसी स्वरगेट और पुणे मेट्रो लाइन दो वन एच टू रामबाड़ी लगभग रेडी है पैसेंजर के लिए शुरू करने के लिए। पुणे मेट्रो जो प्रोजेक्ट है वो पुणे को सेंट्रल एरिया से जोड़ता है। ऑफिशियल्स की तरफ से जो खबर आई है वो है कि पुणे मेट्रो लाइन वन पर आने वाले संत तुकाराम स्टेशन से फुगेवाड़ी स्टेशन सेक्शन अगले कुछ मंथ्स में शुरू हो सकता है। पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट इंडिया का सबसे फास्टेस्ट प्रोजेक्ट बन गया है जो कि ट्रायल के 30 महीनों के अंदर ही माइलस्टोन पार करने वाला है। पिछले मंथ इसका जो ट्रायल हुआ है वो संत तुकाराम स्टेशन पीसीएमसी स्वरगेट लाइन पर हुआ। ये ट्रायल संत तुकाराम मेट्रो स्टेशन 1.4 किलोमीटर ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल पर हुआ जो कि एक्टिवेट की गई थी एज ए पार्ट ऑफ द मेट्रो प्रोजेक्ट। ऑन जनवरी 5, 2019 द सेकेंड टनल वर्क जो शुरू हुआ वो टनल बोरिंग मशीन के द्वारा किया गया, जिसको शॉर्ट में TBM भी कहा जाता है, जिसके द्वारा दो पैरेलल टनल रूट्स बनाया गया जो रेंज हिल एंड स्वरगेट पुणे मेट्रो लाइन वन पीसीएमसी स्वरगेट के बीच था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, संत तुकाराम से लेकर फुगेवाड़ी स्टेशन जो कि पुणे मेट्रो लाइन वन पीसीएमसी स्वरगेट पर आते हैं, दोनों स्टेशन के बीच चार स्टेशन बनाए गए हैं जो कि आने वाले कुछ महीनों में शुरू हो जाएंगे। एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट वर्क जैसे कि मेट्रो पिलर स्पैन, रेल लेइंग, मेट्रो स्टेशन वर्क, ओवरहेड केबल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, इलेक्ट्रिक सबस्टांस, इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड केबल वर्क एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द वेरी फर्स्ट पुणे मेट्रो कोचेस हैव बीन कंप्लीटेड इन रिकॉर्ड टाइम। जैसा कि आप जानते हैं, पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट दो कॉरिडोर में बनाया जा रहा है। पहला पुणे मेट्रो लाइन वन पीसीएमसी स्वरगेट जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर है और टोटल 14 मेट्रो स्टेशन हैं। सेकेंड कॉरिडोर पुणे मेट्रो लाइन टू वन एच टू रामबाड़ी के बीच बनाया गया है जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है और 16 स्टेशन इसके बीच में आते हैं। इस प्रोजेक्ट में कुछ नई टेक्निक्स का प्रयोग भी किया जा रहा है, जैसे कि प्रोजेक्ट में मेट्रो रेल जो कोच यूज किए जाएंगे वो एल्युमिनियम के बनाए जाएंगे, जिससे इन कोचेस का जो निर्माण होगा वो काफी लाइट वेट होगा, जिससे ब्रेकिंग सिस्टम में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा लेटेस्ट और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग भी किया जा रहा है। टीटागढ़ फ्रेमा कंपनी इसका डिजाइनिंग का काम ले रही है। जो इसका डिजाइनिंग वर्क चल रहा है वो टीटागढ़ फ्रेमा कंपनी कर रही है। इस मेट्रो प्रोजेक्ट में रेल के द्वारा जो स्पीड कैच करने की बात कही गई है या जिसकी उम्मीद लगा रही है पीसीएमसी, वो 31 से लेकर 33 किलोमीटर पर आर की हो सकती है। इसके अलावा स्टेशन में सीसीटीवी, लिफ्ट, एस्केलेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा चुकी हैं। पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक
फेयर, कलेक्टिव कलेक्शन और कलेक्टिव सुविधा प्रोवाइड की गई है, जो कि स्मार्ट कार्ड और कंप्यूटराइज पेपर टिकट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। स्टार्टिंग टाइम में पुणे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सिर्फ 4 कोच का ही प्रयोग करेगी। इसके बाद अप्रोक्सीमेटली अगर वो चाहें तो इसमें 2 कोचेस और ऐड कर सकती हैं, जिससे कि कोचेस की संख्या 6 हो जाएगी। ये कार्य सिर्फ जरूरत के अनुसार ही संख्या बढ़ाने पर किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या जो भी इसमें कार्य कर रही है, वो पीसीएमसी कंपनी कर रही है। इसके अलावा डिजाइनिंग के लिए जो कंपनी इसमें भाग ले रही है या उसको जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो ईटागढ़ रेमा कंपनी है, जो इसकी डिजाइनिंग पे सारा काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जहां तक बताया जा रहा है 2022 तक शुरू हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे आने वाले अगले नेक्स्ट वीडियो जो भी इस पुणे प्रोजेक्ट पर बनेंगे वो आपको इजीली मिल जाए। मैं इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।